डेरा गाजी खान से इसको मंगवाया था हमने। माशाल्लाह इसको कहते हैं लाखा लाखा मुंद्रा, डेरा गाजी खान का मशहूर जो। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं इनके पास ये दो दुम्बे हैं और माशाल्लाह अच्छे वजन में हैं और माशाल्लाह सेहतमंद हैं। ये बताएं कि इसका वेट कितना होगा? इसका वेट जो है 75 kg होगा लाइव वेट। द हिलावा जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा दांतों में कितना हो गया? ये दो अभी हुआ, अभी हुआ। दो दांत में हुआ है जी। ठीक है, और इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमान इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से हमारी टीम आप व्यूअर्स की खिदमत में एक वीडियो के साथ पेश है। व्यूअर्स आज आप लोग को बता दूँ कि आज हम अंडा मोड़ पर एक गोट के सेटअप पर आएँ। यहाँ पर एक साहब हैं जो दो चार बकरे सेल करना चाह रहे हैं कुर्बानी के लिहाज से। तो आइए ऑनर से मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी नस्ल वो सेल कर रहे हैं और कौन कौन से गोट्स उनके पास मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले ऑनर से सलाम दुआ करते हैं। तो व्यूअर्स हमारे साथ यहाँ पे सेटअप के ऑनर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, सुना खैरियत। अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है, अपने सेल्फ को इंट्रोड्यूस कराएं व्यूअर्स को। मेरा नाम अनस है और मेरी लोकेशन आपने बता दी है जैसे। और ये लोकेशन एक बार फिर से आप बता दें अंडा मोड़ पर किस जगह पर। ये आप अंडा मोड़ से भी आ सकते हैं, ये यूपी मोड़ से भी आ सकते हैं, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के साथ। इकरा यूनिवर्सिटी वाली रोड मशहूर है, उसी के साथ गली के अंदर मेरा घर है, तो सारी सेटअप है मेरा। अच्छा, यहाँ पे आपने हमें इनवाइट किया, ये बताएं आपके पास कितने गोट्स हैं और कितने आपके पास दुम्बे हैं। मेरे पास तकरीबन 3 बकरे हैं और 2 दुम्बे हैं जो मैंने मंगवाए थे डेरा गाजी खान से, जो पंजाब का शहर है। तो बच्चे मंगवाए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब काफ़ी हैवी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। कोई ब्रीडिंग के लिए, कोई मतलब कुर्बानी के हिसाब से, या कोई मतलब शो वगैरह के लिए भी, लोग वेट कंपटीशन करते हैं उसके लिए भी, अगर किसी को चाहिए तो रब्ता करें इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि आपको कितने साल का तजर्बा है इन गोट्स में और शीप्स में। तकरीबन 12 साल से ऊपर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल पालते हैं हम, कोई कारोबार नहीं करते, तो इसकी कैसे पेमेंट आती है हम लोग, तो कुर्बानी के अंदर जानवर जैसे गाय का हमें शौक है तो हम गायें ले आते हैं ऐसे, इसके पैसे जमा करके तो सेल होते हैं। ये हमारा हिसाब था। यानी आप ये सेल करके फिर गायें लेकर आते हैं जी कुर्बानी के लिए, पर ये हमारा बाकी मतलब कोई कारोबार नहीं है ऐसे कि मतलब ख़रीद के हम खुद ही पालते हैं, अल्लाह का शुक्र है। पहले हम लोग खुद दुबा करते थे लेकिन अब ये हम लोग इसको सेल करके गाय ले आते हैं। तो ये बताएं आप कितने महीने की पलाई करते हैं इनके। तकरीबन 10 से 12 महीने, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी मतलब साल पूरा 10 महीने तक होते हैं। अच्छा, पालने के बाद फिर आप सेल करते हैं। जी बिल्कुल। चले आए, नज़र डालते हैं, अब आपके गोट्स और शीप्स दिखाते हैं व्यूअर्स को। बिल्कुल इंशाल्लाह। जी जनाब, सबसे पहले व्यूअर्स को आप ये दुम्बा दिखाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये 2 दांत का है, डेरा गाजी खान से इसको मंगवाया था हमने। माशाल्लाह इसको कहते हैं लाखा लाखा मुंद्रा, डेरा गाजी खान का मशहूर जो है। डेरा गाजी खान का क्या कहलाते हैं? लाखा मुंद्रा। अच्छा। मुंद्रा नस्ल है, लाखा इसके रंग काले जो है निशान, इसकी वजह से इसको लाखा कहते हैं। अच्छा, इसके दांत दिखाएगा व्यूअर्स को। बिल्कुल। अच्छा, 2 दांत में ये जी कुर्बानी के काबिल है। जी बिल्कुल। ठीक है, ये बताइएगा इसका वज़न कितना हो गया। इसका वज़न हमने कभी कराया तो नहीं है लेकिन इसका गोश्त के हिसाब से जो है 55 से 60 किलो तो होगा, और बाकी लाइव वेट तकरीबन 100 किलो होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन मतलब एवरेज हमने जो हमारी जो है उसमें इतना इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि इसकी हाइट और लेंथ आप वेट देखें माशाल्लाह। ब्रीड के हिसाब से कोई अगर भाई लेगा तो इंशाल्लाह दुआएँ देगा, क्योंकि हमने कोई वो नहीं है। अच्छा ये बताएँ कि इसकी प्राइस कितनी है। इसकी प्राइस हम मांग रहे हैं 1 लाख रुपये, क्योंकि हमने बड़ा महंगा शौक मंगवाया था और इसकी फ़ाइनल 80,000 कर देंगे। अगर कोई जोड़ी लेना चाहे हमारे पास इसको, इसका एक और है तो उसको थोड़ी और रियायत कर देंगे 5,000 रुपये की तकरीबन और एक पे, लेकिन ये फ़ाइनल रेट है, इससे कम नहीं होगा। तो जिस भाई को समझ में आए तो वो भी सिर्फ रब्ता करें, टाइम नहीं ज़ाया करें, चूँकि ये बहुत महंगा है। जिसको पता है ये कराची में चंद शौकीनों के पास होगा ये चीज़, क्योंकि हमने इम्पोर्ट मंगवाई भी है और मतलब बड़ी जद्दोजहद से मंगवाई थी। तो ये बात है कि किसी के पास होता है ये शौक, ये है मतलब बहुत कम होगा ये कराची में। अच्छा, आपने 10-12 महीने की इसको पलाई करी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये बताएं फाइनल प्राइस बताएं इसके, बिल्कुल देने वाले रेट। बिल्कुल फाइनल 80,000 हो जाएंगे, बाकी अगर तो जोड़ी लेगा उसको हम 75 ही कर देंगे, इससे कम नहीं होगा। तो जो इस हिसाब से लेना चाहे तो वो रब्ता करें। अच्छा ये बताइएगा व्यूअर्सों के दुम्बों का मैक्सिमम वेट कितना जाता है, ये खिलाई पिलाई अच्छी की जाए तो। ये 240-250 भी जाते हैं जो विनर होते हैं। सरगोधा में इसका मेला होता है, ये मुंद्रों का, कजलों का, कजले भी था मेरे पास सेल हो गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो वो इसका मेला होता है दे रहा है वो पंजाब के अंदर, वेट कंपटीशन होता है उसमें कांटा कराते हैं दुम्बों का,
तो उसको मतलब माशाल्लाह, लेकिन वो दांतों में पूरे पूरे हो जाते हैं, मतलब दो तीन साल उसकी और मेहनत करके उनको तैयार करते हैं। बकरे का कंपटीशन भी होता है, दुम्बों का भी होता है। अच्छा ये बताएगा, कुर्बानी से पहले जो दुम्बे और बकरे आते हैं उसमें हम देखते हैं कि कुछ दुम्बे और बकरे ऐसे होते हैं इनके पेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो क्या उनका वेट पेट से ही होता है या फिर गोश्त भी होता है उसमें? वो पानी वानी पिला के वो मार्केट में लेकर आते हैं वो बेचारे, वो घर आके मोशन वगैरह भी कर लेते हैं, तो उसमें ये घर की चीज़ है और नेचुरल पलाई पर है। इंशाल्लाह जो भी देखेगा तो इंशाल्लाह दिल उसका खुश होगा कि जिस हिसाब से कोई कुर्बानी करे तो अल्लाह ताला अच्छी कुर्बानी। हम तो पहले कुर्बानी करते थे लेकिन अब जो है हमें गाय का ज़रा शौक है इसलिए हम सेल कर रहे हैं। अच्छा मैं चाहूँगा आप व्यूवर्स को थोड़ा सा इसको चला के दिखा दें ताकि व्यूवर्स देख लें। ठीक है, अब कौन सा दुम्बा दिखा रहे हैं, दुम्बा दिखाएंगे या बकरा दिखाएंगे व्यूवर्स को? इसका जो जोड़ी जो है इसकी दूसरी, वो भी डेरा गाजी खान का ही, वो मैं दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, दिखा दें व्यूवर्स को। जी जनाब, ये एक दुम्बा है। जी बिल्कुल, ये भी डेरा गाजी खान का है, उसको भी लाखा मुंद्रा कहते हैं। अच्छा, डेरा गाजी खान से मंगवाते हैं आप, 10 महीने पहले मंगवाते हैं फिर इनकी पलाई करते हैं? जी बिल्कुल, कुर्बानी फोकस ये होता है कि कुर्बानी के लिए इनको तैयार करें फिर इनको सेल आउट करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुर्बानी से पहले आप 10 महीने पहले मंगवाते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये बताएं अभी दो दांत में ये? जी बिल्कुल, अब दो दांत हो गया है। इसके भी दांत दिखा देगा व्यूवर्स को? जी दो दांत में आ गया है। जी बिल्कुल। अच्छा इसका इसका वेट कितना होगा? इसका उससे ज़्यादा होगा। इसका कितना वेट है? तकरीबन 110 किलो होगा लाइव वेट, बाकी गोश्त के हिसाब से आप खुद लगा लें। तो ये ज़्यादा वजनी है उससे, और ये भी माशाल्लाह उस वहीं से मंगवाया हुआ है। अच्छा, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि एटीएम में जिसका मूड हो वो आके परचेज कर ले, अपना भी टाइम बर्बाद ना करें ना आपका करें, बार्गेन में क्योंकि एटी बिल्कुल फाइनल है। बिल्कुल फाइनल है। अच्छा ये बताएगा हमारे व्यूवर्स को कि गोट्स को और ये दुम्बों को क्या स्पेशल डाइट दी जाती है जिससे इनका मसल का वेट बढ़े भाई बजाय पेट के? इनको जो है आप जो है, अब तो साइंटिफिक दौर है, तो आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा दें जिससे चर्बी भी कम होगी और मतलब वज़न भी अच्छा बढ़ेगा। प्रोटीन में क्या क्या दिया जा सकता है इनको? दलिया दें आप इनको, बाकी ये कॉर्न्स वगैरह होते हैं ये सब मिक्स दाना कम दिया जाए, लेकिन चूँकि जौ वगैरह भी दे सकते हैं आप, लेकिन जौ कम करें क्योंकि ज़्यादा देंगे उससे पेट में मसला हो सकता है। तो इससे सबसे अच्छा बेहतर है जो है दलिया दे गंदम का, दलिया खिलाया जाए। जी गंदम का दलिया खिलाएं, उसके साथ चोकर और छिलका और थोड़ा भूसा मिला लें तो बेहतर है, हमारी डाइट यही है। अच्छा बाज़ लोग देते हैं इनको पिस्ते बादाम भी देते हैं, दूध वगैरह भी पिलाते हैं, तो आप इस मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? वो झूठ बोलते हैं और कुछ भी नहीं। नहीं लोग खिलाते हैं भाई पिस्ते बादाम भर भर के खिलाते हैं, उसमें किशमिश होती है, पिस्ते होते हैं, बादाम होते हैं, काजू होते हैं, इसके अलावा इनको एक एक लीटर दूध पिलाया जाता है। इंसान को नहीं मुहैया आजकल तो, ये क्या होगा, जानवरों को कौन खिलाएगा? वैसे महंगाई के लिहाज से तो आप सही कह रहे हैं क्योंकि बहुत महंगाई है, इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो जानवरों कहाँ से खिलाएंगे लोग? पिस्ते बादाम खिलाने चाहिए इनको, आप क्या कहते हैं? नहीं खिलाने चाहिए भाई, क्यों उनका पेट ख़राब करेंगे आप, कुर्बानी ख़राब करेंगे अपनी, क्योंकि इसलिए कि बाकी जो लोग जो फार्म वगैरह पर पालते हैं वो पिस्ता बादाम नहीं खिलाते, वो उनकी जो है क्या नाम है फीड होती है, फीड पर पालते हैं, वो फीड वगैरह पालते हैं उसकी, वो बाकी वो हाथ भराई करते हैं, हाथ में ज़बरदस्ती जानवरों को ये हाथ भराई के, अल्लाह का शुक्र है नहीं पले हुए, ये ऑर्गेनिक अपने मुँह से खाते हैं, हाथ भराई ज़बरदस्ती खिलाते हैं उनको, फिर उसके हरा चारा दबाते हैं मुँह ऐसे चलाते हैं उसको, ताकि वो और मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके चाहने के बावजूद वो नहीं चाहेगा उतना खिलाएंगे उसको मतलब। अच्छा ये बताएं, जो लोग ओवर फीडिंग कराते हैं उसमें मसल का वेट इंक्रीज़ होता है या चर्बी बढ़ती है? उसके अंदर चर्बी, ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी बढ़ेगी उसकी, और उसमें मतलब उसकी ज़्यादा चर्बी होगी, मसल तो मसल मास इतना तो नहीं होता, तो चर्बी ज़्यादा होती है उनके अंदर ओवर फीडिंग की वजह से, क्योंकि उनका हाजमा भी मतलब वो तेल वगैरह पिला के, तेल तो हम भी पिलाते हैं लेकिन वो तेल वगैरह उनकी रेगुलर डाइट लेते हैं ताकि उनका हाजमा ख़राब ना हो, क्योंकि एक दफ़ा हाजमा ख़राब हो गया तो उसका वज़न गिर जाएगा और उनका जो है काम ख़राब हो जाएगा, मतलब उनका वज़न का चर्बी का मकदार ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, चर्बी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब कौन सा दिखा रहे हैं आप व्यूवर्स को? बस इसी को एक शॉट ज़रा आप चला के दिखा देता हूँ, चला के दिखा दें। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं इनके पास ये दो दुम्बे हैं और माशाल्लाह अच्छे वज़न में हैं और माशाल्लाह सेहतमंद हैं, तो आप लोग इनकी ब्यूटी भी देख सकते हैं और इनका वेट भी देख सकते हैं। एक दुम्बे के डिमांड कर रहे हैं 80,000 और जिसमें बता रहे हैं कि इसका लाइफ वेट जो है वो 1800 kg है, सॉरी इसका लाइफ वेट जो है वो 100 kg है और ये मीट वेट जो बता रहे हैं वो 55 kg है। जी ये बताएं अभी आप क्या खिला रहे हैं इनको? ये जो है ये बादाम के पत्ते हैं, तो इनसे भी इसका हाजमा वगैरह अच्छा रहता है। अच्छा बादाम के पत्ते खिलाते हैं इनको? जी। तो कितने टाइम दिए जाते हैं इनको दिन में? ये बादाम के पत्ते तो एक ही दफ़ा रात में खाने के बाद हम देते हैं ताकि
रात भर रहे हैं ताकि फिर सुबह हम फिर इसको दो दफ़ा देते हैं खाना इनको। अच्छा, इनके पेट के लिए बहुत मुफीद है बादाम के पत्ते। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इससे मुतालिक बताइएगा व्यूवर्स को। ये जो है कामोरी ब्रीड है सिंध की, इसको गुलाबी से हमने क्रॉस करा के जो है ये ब्रीड है हमारे पास। अच्छा, तो ये बताएं कि इसका वेट कितना होगा। इसका वेट जो है 75 kg होगा लाइव वेट, और तकरीबन 40 किलो गोश्त वेट होगा, जो मीट वेट जिसको कहते हैं वो इंशाल्लाह होगा। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन ये कम भी हो सकता, मतलब कम नहीं होगा इंशाल्लाह, ताला ज़्यादा ही होगा लेकिन हमारा अंदाज़ा है ये। अच्छा, ये बताएगा व्यूअर्स को कि आपने इसको कितने महीने की पलाई करी है। ये पूरा साल पाला है ये हमने। पूरा साल पाला आपने इसको। बिल्कुल। तो दांतों में दो आए जी, दो दांत हो गया ये। अच्छा, इसके दांत दिखाएगा व्यूअर्स को जी। माशाल्लाह कुर्बानी के काबिल है जी। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताएं इस बकरे की डिमांड कितनी है। इसकी डिमांड हमने 55,000 रखी है और ये फाइनल जो है हम 45,000 का देंगे। फाइनल 45,000 में। बिल्कुल। इसमें नो बार्गेनिंग जी। नो बार्गेनिंग इसमें, क्योंकि ये चीज़ माशाल्लाह अच्छी है और जो देखिएगा इंशाल्लाह वेट वगैरह इसका जो है हाइट लेंथ बता रही है इसकी, कि मतलब माशाल्लाह पूरे साल मेहनत भी है और वो चीज़ें नहीं है वो कचरे पे पली हुई, मतलब ये वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, ज़रा इसको चला के दिखाएगा व्यूअर्स को। जी माशाल्लाह कामोरी और गुलाबी का क्रॉस है ये। जी बिल्कुल। और ये पीछे पीछे चलता है ये बताएगा जो गुलाबी और कामोरी का क्रॉस कराते हैं इनमें मैक्सिमम वेट कितना जाता है इनकी खिलाई पिलाई अगर अच्छी हो तो। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 120 kg से ऊपर ही हो जाएगा अगर अच्छी खिलाई पिलाई हो, मतलब इसकी वो असल में जो फार्म वगैरह में ऐसी हाइट लेंथ होती है लेकिन उसकी फिर भराई करते हैं ऐसे जो फिर गेन हो जाते हैं वो, मतलब वजन बहुत उनकी कटिंग वगैरह करके उसके फिर उसके बाद हैंड फीडिंग करते हैं इन्हीं जानवरों को, तो उनसे जो इनका वेट, क्योंकि हाइट लेंथ जिसकी अच्छी होती है उसका वेट भी अच्छा होता है, तो एक दो साल उस पर मेहनत करके उनको फ़ायदा अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कौन सी ब्रीड दिखाने व्यूअर्स को। अभी एक माँ बेटी है जो हमारे पास खुद हुई थी, वो राजनपुरी नस्ल की है, माँ बेटा है, वो बेटा अब तो माशाल्लाह दो दांत हो गया, ब्रीडर बन गया है, और माँ के साथ कोई साथ में लेना चाहे तो हम सेल करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने कंफ्यूज कर दिया, ये बताएं कि माँ बेटी है या माँ बेटा है। माँ बेटा है वो तो। जी जनाब, ये फीमेल है जो आप दिखा रहे थे। जी बिल्कुल, ये राजनपुरी फीमेल है, उसके साथ एक मेल उसका बेटा है जो है हमारे पास ब्रीडर जो अब बन गया है, दो दांत हो गया वो। अच्छा, ये बताइएगा इसके कान में क्या हुआ। ये क्या इसके कान में कुछ भी नहीं है, ये मसे हैं, ये सूख गए हैं मसे, इसका इलाज किया था असल में। मसा दिखाएगा जी। बिल्कुल, ये मसा है और इसका एक कान भी नहीं है, वो गायें छुड़ गई थी कान पे, तो ये इसका कान जो है हमने कटवा दिया था। दिखाएगा घुमा के। अच्छा, इसका कान भी नहीं है। ठीक है, बताइएगा दांतों में कितनी है। ये दांतों में 6 हो गई है। 6 दांत में ही है। बिल्कुल। अच्छा, तो कितनी दफ़ा आपने इससे ब्रीड ले ली। इससे 3-4 दफ़ा ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 दफ़ा ले चुके हैं। ठीक है, ये बताइएगा अभी इस बकरी की उम्र कितनी है। इसकी उम्र 2 साल के करीब होगी। 2 साल के करीब है। ठीक है, ये बताएँ कि कितने की सेल कर रहे हैं आप। ये फाइनल जो है ना बच्चे के साथ जो है ना हम देंगे 75,000 की फाइनल। 75,000 के देंगे बच्चे के साथ। सही है भाई। जी जनाब, ये बच्चा है इसका। जी ब्रीडर बन गया अब तो माशाल्लाह, दो दांत हो गए। अच्छा, दो दांत हो चुका है। ये पिछले साल रमजानों में हमारे पास हुआ था। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी फ्रेंडली है। जी बिल्कुल, काफ़ी प्लेफुल है। तो इसको हमने दूध पिलाया तो अभी इसका बंद किया है थोड़े दिन पहले, माशाल्लाह इसको आदत थी दूध की। अच्छा, इंसानों से काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा दांतों में कितना हो गया। ये दो अभी हुआ, अभी हुआ है, दो दांत में हुआ है। जी ठीक है, और इसका वेट वगैरह बताते हैं व्यूअर्स का। वेट होगा मेरे ख्याल से, इसका वेट होगा लाइव वेट होगा 45-50 किलो होगा, और मीट वेट होगा 25 किलो तकरीबन। अच्छा, इसका मीट वेट 25 किलो है। जी ठीक है, बताएं कि फाइनल डिमांड कितनी हो जाएगी इन दोनों की। इसकी फाइनल 75,000 रुपये होगी दोनों की, माँ बेटे की, लेकिन इसको अलग अलग सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास हुई थी, इसको वरना सेल ही नहीं करेंगे हम, तो ऐसे दिखा रहे हैं आपको, लेकिन अगर कोई चाहे तो एक साथ इसको फाइनल इतने में होगी है, और इसको अलग अलग नहीं सेल करेंगे हम। अच्छा, आपका इरादा ये है कि दोनों एक साथ ही सेल हो, वरना आप नहीं चाहते कि बेटा जो है वो माँ से अलग हो। जी बिल्कुल, वरना इसको हम अगले साथ रख लेंगे, इसको सेल नहीं करेंगे दोनों को, बाकी इससे ब्रीड और लेंगे हम। अच्छा, ये जो आपने लास्ट में माँ बेटे दिखाए ये पालने के लिहाज से दिखाएं व्यूअर्स के लिए। जी बिल्कुल, पालने के लिए सबसे ज़्यादा। लेकिन इसमें जो बकरा है जो दो दांत है वो कुर्बानी में चल सकता है। जी बिल्कुल चल सकता है, लेकिन सेल हम एक साथ करेंगे दोनों। अच्छा, क्योंकि जो फीमेल है उसके कान वगैरह ख़राब है तो वो कुर्बानी में नहीं चलेगी। बिल्कुल, कुर्बानी नहीं, वो ब्रीडिंग के लिए है। ठीक है, इसके अलावा आपने जितने भी बकरे और दुम्बे दिखाए वो सारे कुर्बानी के दिखे। जी बिल्कुल, कुर्बानी के सब दो दांत हैं और सबकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, सब माशाल्लाह से ETV हुई हुई है, एंडोटॉक्सिन जिसको कहते हैं, और PPR हुई हुई है इनकी, और इनका FMD और LPR भी हुआ है।
अच्छा ये बताइएगा, जितनी भी आपने वैक्सीन बताई हैं ये किन किन बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं, और ये बताएं किन किन सीज़न में इनको वैक्सीन करवानी पड़ती है? ये PPR तो साल में एक दफ़ा होती है, ETV साल में दो दफ़ा होती है, और फुल एंड माउथ भी एक दफ़ा ही होती है साल में, या कोई दो दफ़ा भी करा लेने अच्छी बात है। तो ये फुट एंड माउथ, मुँह खोर जिसको कहते हैं हम लोग, इस गाय वगैरह में तो इसको मुँह में भी आया था खुर, लेकिन बकरों में सिर्फ खुर में आता है। तो ये और ETV होता है इंट्रोडक्शन में, जिसमें पेट फूल जाता है बकरे का और आंतें वगैरह फूल जाती हैं, उनकी जहर बन जाता है पेट के अंदर, तो उससे बकरे कंटों में मर जाते हैं। तो ये उनकी उसकी वैक्सीन भी हुई हुई है। और PPR है, वो भी मुँह खोल जैसी बीमारी होती है, मुँह पर छाले बन जाते हैं बाहर, वो मस्से जैसे बन जाते हैं मुँह के बाहर, और वो खाने पीने से बिल्कुल मोशन बहुत लग जाते हैं उसको। तो ये बीमारी PPR है। तो इंशाल्लाह का शुक्र है सबकी वैक्सीनेशन हुई है, और सब नेचुरल जो खुराक पे पले हैं, किसी में वो ये नहीं है कि मतलब हमने कोई वो किया हुआ इंजेक्शन लगाए हुए, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह वेट भी इतने अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब नेचुरल उस पर है, जो मेहनत है, बाकी वो इसमें इंजेक्शन वगैरह का माल नहीं है। अच्छा आपने एक बीमारी के मुताबिक बताया कि इनके मुँह पर छाले होते हैं, उसमें खाना पीना छोड़ देता है बकरा? जी बिल्कुल, खाना पीना छोड़ देता है, इसके मोशन लग जाते हैं, और समझ लो उसको 90% चांसेस कम हो जाते हैं मरने के। तो कौन सी वैक्सीन करवानी पड़ती है इस बीमारी के लिए? PPR होता है, PPR वैक्सीन का नाम है, जिसको लोग मुँह खोर भी कह रहे थे, लेकिन मुँह खोर नहीं होता, मुँह खोर तो फुट एंड माउथ होता है। PPR एक बीमारी है जिसमें मोशन लग जाते हैं, और वो मुँह में दाने हो जाते हैं, छाले अंदर तक हो जाते हैं, मुँह बाहर भी जाते हैं, तो उससे खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, और उसकी सेहत भी गिरी जाती है, मतलब मरने के करीब हो जाता है वो। अच्छा जितने भी बकरे आपने दिखाए घर के पलाए के हैं और वैक्सीनेटेड हैं, और जो आपने रेट बताए वो फिक्स हैं? जी बिल्कुल, सबके रेट फिक्स हैं और वैक्सीनेटेड हैं, तो इसलिए कि भाई क्योंकि चीज़ आपके सामने, और बाकी जिसको तसल्ली करनी हो वो भला आके देख भी ले, लेकिन इसमें रेट में कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि तंग नहीं करें, लेकिन चूँकि हमने मंगवाए हैं बाहर से, बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत नहीं रखते हम, चूँकि सब पैसे का हम कुर्बानी करेंगे, गाय ले आएंगे उसकी भाई, ये उसको मतलब एक हमारा अमाउंट हैंडसम अमाउंट हो जाती है जिससे हम गाय, और हम स्टूडेंट्स हैं, कोई व्यापारी नहीं है, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, तो ये भाई कि हम व्यापारी नहीं है, बस घर में शौक है हमें इसका बस, और कुछ भी नहीं। तो व्यूअर्स ये था गोट सेटअप का विजिट, यहाँ पे हमने दुम्बे भी देखे, गोट भी देखे, इन्होंने कुर्बानी के लिहाज से दुम्बे और गोट तैयार किए हैं व्यूअर्स के लिए, तो इन्होंने हमें इनवाइट किया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप व्यूअर्स को इनके गोट्स और दुम्बे पसंद आए होंगे। आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, इनसे इजाज़त ले लेते हैं, ठीक है? अपना नाम एक बार फिर से बता दिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर। मेरा नाम सैयद अनस है, 0336816251। ठीक है, जो आपने दुम्बे वगैरह दिखाएं, गोट्स वगैरह दिखाएं, ये अगर सेल हो जाएंगे फिर इसके बाद आपको कुर्बानी के लिए गाय लेकर आएंगे? जी बिल्कुल, यानी अगर जो पहले आएगा, जिसने पहले कांटेक्ट किया उसको ये मिल जाएंगे गोट्स? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। फिर आप इंशाल्लाह अगले सीजन के लिए तैयार करेंगे? बिल्कुल, फिर हम कुर्बानी के बाद फिर खरीद लेंगे बच्चे, तो इंशाल्लाह अगले साल पालेंगे। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देगा? 0336816251। चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। ठीक है, अगर हमारे व्यूअर कांटेक्ट करें कुछ और मुझे थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सके तो कर लेगा? नहीं सर, इसमें होगी नहीं, बाकी इंशाल्लाह कोई आएगा तो जगह जोड़ ही लेगा हमसे दुम्बे की, तो उसमें 5,000 और कम कर दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो व्यूअर्स, जो आज हमने आपको दुम्बे और गोट दिखाए हैं घर की पलाए के, और वैक्सीनेटेड दुम्बे और गोट्स हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप व्यूअर्स को पसंद आए होंगे, और जो भी हजरात इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग को रीज़नेबल प्राइस लगे तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। इनके पास सिर्फ लिमिटेड ऑफर है, क्योंकि ये दुम्बे और बकरे सेल करने के बाद कुर्बानी का जानवर यानी गाय लेकर आएंगे, तो जो हजरात इनको पहले कॉन्टेक्ट कर लेंगे वो इनसे दुम्बे या बकरे परचेस कर सकते हैं। साथ साथ यही कहना चाहूँगा व्यूअर्स के, हम लोग मार्केटों में भी विजिट कर रहे होते हैं, तो आप लोग खुद बताइएगा कि प्राइस कैसे लगी है, क्योंकि हम लोग प्राइस से मुतालिक तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप लोग खुद ही जानते हैं कि इनकी प्राइजेस कैसी हैं, तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को प्राइजेस कैसी लगी। तो उम्मीद करता हूं व्यूअर्स कि आप लोग को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसी तरीके की कवरेज करते रहेंगे, आप व्यूअर्स की खिदमत में प्रोग्राम लाते रहेंगे। जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप तमाम व्यूअर्स को अपने हिफ्ज़ में रखे, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोग को आप लोग के अहले खाना के साथ खुश रखे। आमीन, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।